गांव दूरिया अब्दुल्लागंज तहसील मीरगंज में विगत 15 दिनों से बिजली न आने से ग्रामीण परेशान हैं। घरेलू उपकरण के अलावा ट्यूबवेल, पानी की मोटर इत्यादि नहीं चल पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के बिल जमा करने में यदि देरी हो जाए तो बिजली विभाग वाले कनेक्शन काट जाते हैं, लेकिन अब कई दिनों से गाँव में बिजली नहीं है। कई दिनों से गाँव अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरी रात ट्रांसफार्मर में आग जलती रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ट्रांसफार्मर जल्दी बदला जाए और इसकी क्षमता भी बढ़ाई जाए। ग्रामीणों ने क्षमता बढ़ाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रशीदा बेगम। कहाँ रहती हो? दूरिया। लाइट आपके गांव में कितने दिनों से नहीं आ रही है? 3 दिन हो गए लाइट ना है। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही आ रही है, बच्चा बूढ़ा सब गिर रहा, मर रहा, पड़ रहा। हम भी खुद ऊपर छत पर कल गिर गए। क्या परेशानी हुई थी? परेशानी चक्कर आया गर्मी का चक्कर में। तो घर में कोई बिजली का जो उपकरण लगे हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, कोई चीज नहीं चल पा रही लाइट ना आने से? कोई चीज नहीं चल पा रही। तो अभी क्या मांग है आपकी? मांग है हम ऐसे ही बड़े ट्रांसफार्मर लगाऊंगी, लगानी पड़ेगी। गरीब गरीब इंसान सब पैसा जमा करा। आप ये चाहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर से बड़ा ट्रांसफार्मर लगे? तो अभी ये चल गया है या बंद है? बंद है। फूक गया ये? फूक गया बिल्कुल। इसमें बता रहे लाइट चाहिए जला, पूरी रात आग जली है इसमें। हाँ।